Hello students, how are you? Hello, how are you? Let us start exercise 13.3. Very first question: a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. एक sphere है जिसका radius है 4.2 centimeter. इसको मेल्ट यानी पिघला के सिलेंडर की फॉर्म में चेंज किया. उस सिलेंडर का रेडियस है 6. हमें उस रिक्वायर्ड सिलेंडर की हाइट बतानी है. सबसे पहले रेडियस ऑफ द स्फीयर. स्फीयर जस्ट लाइक एज ए फुटबॉल होता है, गोला होता है. रेडियस ऑफ द स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर. याद रखो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, क्योंकि पिघलाना है तो वॉल्यूम ही फाइंड करेंगे. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 πr³. 4/3 πr³, 4/3 π एज इट इज, r की वैल्यू 4.2 क्यूबिक सेंटीमीटर. इसके बाद हमें इसको सिलेंडर की फॉर्म में चेंज करना है, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर दे रखा है 6 सेंटीमीटर. ये आपको गिवन है. हम मान लेते हैं उस रिक्वायर्ड सिलेंडर की, जो इस स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर की फॉर्म में चेंज किया गया है, उस सिलेंडर का की हाइट h होगी. लेट h बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो यू नो ए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है πr² h, क्योंकि उसी को पिघला के बना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का इक्वल ही होगा. तो क्वेश्चन के अनुसार ये उसी को पिघला के बना है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा. हमने πr² h 4/3 π 4.2 का क्यूब, पाई से पाई हम कट कर सकते हैं. यहाँ पे पाई से पाई हमने कट कर दिया. रेडियस 6 दे रखा है क्योंकि 6 स्क्वायर है, इसलिए हम 6 × 6 करेंगे h. तो यहाँ पर h फाइंड करना है. ये दोनों 6 इस साइड है, तो इस साइड नीचे आ जाएंगे. 4/3 एज इट इज, पाई कट कैंसिल हो गया. ये 3 times क्योंकि डेसिमल है, तीनों का 10 नीचे आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करो, कैंसिल वगैरह करो, आपके पास 2744/1000 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 2.744 सेंटीमीटर आपके पास हाइट आ जाएगी. उस सिलेंडर की हाइट जो इसको मेल्ट करके बना हुआ है वो 2.744 सेंटीमीटर होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर हो गया होगा. बहुत इजी है. यानी जैसे आप बचपन में खेल खुल में एक मिट्टी का गोला बनाते थे, उसके बाद दूसरा बच्चा उसको सिलेंडर की शेप दे देता है. वॉल्यूम सेम रहता है क्योंकि मिट्टी सेम है, किंतु हाइट सिलेंडर की चेंज हो जाएगी 2.744 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ स्टूडेंट्स, नाइन्थ सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.3. ए फार्मर कनेक्ट से पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर एक फ्रॉम ए कनाल. कनाल से एक किसान की 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाली एक पाइप कनेक्ट है. एक सिलेंडर पाइप कनेक्ट है यानी पाइप से, यानी कनाल से. सपोज करो एक नहर है, ये हमारे पास नहर है, यहां से पाइप से कनेक्ट है उसका क्या. यहाँ पर किसान ने टैंक बनाया हुआ है, वो कि सिलेंड्रिकल है. उस सिलेंड्रिकल टैंक में पानी डर है. उस जो पाइप की डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस हाफ होगा 10 सेंटीमीटर. उसके बाद जो पाइप पे पानी बहता है, पानी फ्लोइंग वाटर 3 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 3 किलोमीटर पानी बहता है. तो लेंथ या हाइट यानी जो पाइप है, जैसे ये पाइप है तो इसमें पानी बह रहा है, यानी एक घंटे में 3 किलोमीटर पानी चल पड़ता है, पानी ट्रेवलिंग करता है लेंथ, तो उसको लेंथ कह सकते हो. तो 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है 1000 मीटर, तो 1000 और 1 मीटर 100, तो हमारे पास 3500 सेंटीमीटर पर आवर हमारे पास उसकी लेंथ आ गई, यानी एक घंटे में इतने सेंटीमीटर पानी चलेगा. उसके बाद क्योंकि पानी जिसमें चल रहा है वो सिलेंड्रिकल है, यानी सिलेंड्रिकल है, तो उस एक घंटे का पानी का वॉल्यूम क्या होगा, πr² h. इसका रेडियस 10 है, 10 का स्क्वायर यानी 100 π 3. तो ये एक घंटे में इतना क्यूबिक
पानी अपने को उस पाइप के द्वारा मिल जाता है। इस पानी को किसान ने एक सिलेंड्रिकल टैंक में रखा हुआ है जिसका रेडियस है 10/2 यानी 5 हमने अपने को 10 इसका डायमीटर दिया हुआ है, जो 10 है डायमीटर दिया हुआ है 5। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हो गया आपका, देखो उसकी हाइट 2 मीटर है, सिलेंड्रिकल टैंक है, पाई आर स्क्वायर ही एच होगा क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर है, तो हमने इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। पाई आर स्क्वायर होता है 500 सेंटीमीटर बनेंगे, 500 2 मीटर के 200 सेंटीमीटर बनेंगे, ये क्यूबिक आ गया। हमने बताना है पानी है, टाइम बताने के लिए सिंपल सी बात है, एक घंटे में इतना पानी आता है, टैंक का वॉल्यूम ये है, टैंक के वॉल्यूम को हम पानी के घंटे के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, इसको सिंपलीफाई यूएस सेल्फ, तो हमारे पास 1 घंटा 40 मिनट यानी 100 मिनट आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, 1 घंटे में पानी पाइप में कितना पानी आता है उसका वॉल्यूम निकाल लो, उसके बाद फिर हम जो हमने टैंक फिलअप करना है, वाटर टैंक फिलअप करना है उसका वॉल्यूम निकाल लो, उसके वॉल्यूम को पानी जितना 1 घंटे में तो उससे डिवाइड कर दो, हमें पता चल जाएगा हमारा इस का टैंक 1 घंटा 40 मिनट में कंप्लीट भर सकता है। आई थिंक क्लियर स्टूडेंट्स, बी हैप्पी, ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स नाउ थर्ड क्वेश्चन, मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। 3 स्मॉल स्फीयर्स हैं जिसके हमें रेडियस दे रखे हैं 6, 8 और 10 सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग चेन, तीनों को पिघला के मेल्टलिक पिघला के एक नया स्फीयर बनाया है उसका हमें रेडियस बताना है। देखो फर्स्ट स्मॉल स्फीयर का रेडियस 6 सेंटीमीटर R1, R2, सेकेंड का रेडियस 8 सेंटीमीटर R3, थर्ड स्फीयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री, फर्स्ट का वॉल्यूम प्लस सेकेंड का वॉल्यूम प्लस 3 का वॉल्यूम, वी नो वेरी इजिली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, 4/3 हम पाई सभी में कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लिया 6 का फर्स्ट रेडियस का क्यूब, सेकंड रेडियस का क्यूब, थर्ड रेडियस का क्यूब, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का 1000, तीनों को ऐड करो 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर 4/3 पाई। अब इसको ये वॉल्यूम जो हमने इस तीनों को मिला के बनाया उसका वॉल्यूम हो गया, उसकी हमने आर को लेट किया, लेट आर विद रेडियस कैपिटल आर विद रिक्वायर्ड स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये चीज इसके इक्वल आ गई 4/3 से ये कैंसल हो गया, ये पाई से पाई कैंसल हो गया, तो आर थ्री आपके पास 1728, फिर ये 12 का क्यूब, अब इसका मतलब रेडियस 12 सेंटीमीटर आ गया यानी रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर आपके पास आ जाता है 12 सेंटीमीटर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, याद रखो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रिजल्टिंग किस टाइप का स्फीयर होता है, जैसे आप फुटबॉल खेलते हो या कंचे खेलते हो या फिर आप क्रिकेट बॉल, ये सभी स्फीयर के एग्जांपल्स हैं, एप्पल को भी आप स्फीयर कह सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर होगा, बी हैप्पी, समझ आ गया ना सबको, ठीक है स्टूडेंट्स, एवरीवन इज हैप्पी, ओके, थैंक यू, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय डीएवी, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।